95 करोड़ 58 लाख 85 हज़ार 124 वर्षों पहले दुनिया की रचना शुरू हुई है। ब्रह्मा ने अपने शरीर तो 24 पुत्र पैदा किए, जिन्हों चो सप्त ऋषि चार सनक मूँह के द्वारा बाहर आए थे, उन्होंने वेदा का ज्ञान दिता सी, इसलिए ब्राह्मण देवत्या के समान पूजा जान लगा। हाथों चो कौन कढ़े सी? राजपूत। उन्होंने हाथ तलवार दिती सी कि तुसी सनातन की सेवा करनी, धर्म की सेवा करनी है, तुसी राजा लोग हैं, पर राजे रहे नहीं है। पनोट अपने राणे अपने आप नूं गिर गए, ब्राह्मण भी गिर गए, राजपूत भी। एक कलयुग की माया है। गल समझ आ गई? चार वेद प्रगट होए, वेद एको ही सीगा, वेद व्यास जी ने चार हिस्से किए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये चारों वेदां दे विचकार तेरियां लामां होईयां। ते हवा जड़ी है ये सूचना नालों नाल दे रही थी, जिदा टैलीफोन ते असी कनेडा अमेरिका गल करते हैं, इदा ही साड़ी आवाज़ जड़ी ब्राह्मणा दी वो तुर जा रही थी। तो कहने का मतलब की है? कहिंदे पवन गुरु पाणी पिता माता धरत मात दिवस राग दा दाई दया खेले सगल जगत। ये संसार इसी दे विच खेलदा। हवा इन्ना जल्दी कम करती है, एज थिंक एज थॉट, तुसी सोच भी नहीं सकते इन्ना जल्दी एक्शन होंदा। बोलो जय श्री राम। राम दे द्वारे तुहाडी आवाज पहुँच गई। किन बचाई? हवा ने। हवा नूं इसलिए गुरु कहा वा शास्त्रां दे विच, तो धरती नूं मां कहा, पाणी नूं पिता कहा। सो कहने का मतलब है हवा नालों नाल दसी जा रही है। चित्रगुप्त नोट करता, धर्मराज नोट करता, जिहदा नाम का जकारा लाया वह भी सुन रहा। यह थानू मौके सिरे जाके पता चलना कि इस वेले असी राम नूं याद किया सी ते साडे 1000 पाप धो हो गए सके, उहदे बदले 1000 पाप धो होने हैं। तो कहिंदे चार लामा बनाईया बाबा विश्वकर्मा ने, बेदी बनाई थी उन्होंने, ही ओम का नक्शा बनाया उन्होंने, वैकुंठ बनाया उन्होंने, स्वर्ग बनाया उन्होंने, नरक बनाया। तो ब्रह्मा की सहमति के नाल चार फेरे निर्धारित किए। पहला फेरा सी धर्म का, दूसरा अर्थ का, तीसरा कर्म का, चौथा मोक्ष का। तीन लामा दे विच औरत नूं पावर देती है कि तू अगे चल तो ते पिछे चलिया, तो उस घर के बिच जाके तेरे को बेटी अपना धर्म लवाना, तुम भी पिछे नूं अड़ जा, बेटी जान भी तेरे को अपना उस घर के बिच जाके धर्म लवाना, तू इसलिए चल रही है अगे। दूसरी राम च फिर पावर औरत नूं दित्ती, अर्थ, अर्थ का मतलब है लक्ष्मी बन के तैं उस घर के बिच बनना, उस घर नूं तैं ही संभालना। तो दूसरी लाम च भी तेनों अगे किया, लड़का कहना मैं मंजूर है, दोनों पावर तेनों दतिया। तीसरी लाम फिर कर्म की दिती कि मैं ही तै ही परिवार का पालन पोषण करना है, ये तीनों ही पावर तेरे पिछे। चौथी लाम के बच्चे पिछे चली मुक्ति वास्ते, तो मुक्ति हूँ तेरे पिछे लेनी है। अज तक मेरे जठेरे नहीं सी, हूँ जठेरे बने हैं। अज तक मेरे जठेरे नहीं सी, हूँ मेरे जठेरे बने हैं। मैनू मैंने वो मंत्रां दे द्वारा उस गोत दे विच्चों कढ के असी इस गोत दे विच लिआंदा। उन्होंने अपने जठेरिया नूं इजाजत मंगी कि कुड़ी का कन्यादान होना, तो कुड़ी ने कछप गोत चों निकल के गर्भ गोत दे विच आना। उन्होंने अपनी जगह मंत्र बोले, मैं अपनी जगह बोले, तो कुड़ी उस गोत चों निकल के इस गोत दे विच आई। तीन पावर इसनूं दित्तियां, धर्म, अर्थ, कर्म दियाँ। चौथी मोक्ष वास्ते इहदे पिछे चली है। ये सत लैना आ, पर कुड़ी दियाँ कुछ शंकां आया ते अज तक तो मेरे माता पिता मेरा पालन पोषण करते थे, अब कि जिम्मेवारी है? ये शंका है कुड़ी की। ये सत कोई लफेरे नहीं है, सत वाक्य सवाल का जवाब चाहती है लड़की। बेटी मैं तेरे वालों बोलना जान भी, ठीक है बोलो, मैं आपका पालन पोषण करूँगा। एक मिखे विष्णु स्वै ने तू, एक फुल लैके उस लैन में मटे दो, फुल तेरे कोल पिया। एक मिखे विष्णु स्वै ने तू परले पासे हो अग्नि आलू, हाँ हाँ जी। अब लड़की कहती है माता पिता की आज्ञा का पालन करूँगी, आपकी बहनों को अपनी बहन के सम्मान करूँगी, आपके रिश्तेदारों को अपने रिश्तेदार समझूंगी, पर याद रह के आपने मेरा पालन पोषण करना मंजूर है।
द्विज ऊर्जे विष्णु स्वयं हेतु। तीसरी में कन्या फेर कहती है, मेरे माता पिता ने जल और सुपारी लेके मेरा दान तिर कर दिया, आपने पानी ग्रहण किया, मेरे में कोई बल नहीं है, आपके होते हुए मुझे डर भी किसी का नहीं है, आप ताज हैं। ईदे पर 19-20 की गल आती है, तई मोड़े होना, पर आपको याद रहे कि आपने मेरा पालन पोषण करना मंजूर है। त्री नए विष्णु स्वयं हेतु। चौथी में कन्या कहती है, स्वामी मैंने पहले गौर पूजन करवाया, कन्या का पूजन करवाया, गौर ठूठी करवाई है, इजाजत लई है गौरा माता, मैं सुहागन होने जा रही हैं। आ सुहागन होने के बाद जेड़ा पहला वर्त आना वो करवा चौथ का ही होना, उत्थों स्टार्ट होने वर्त। कल को आपकी लंबी आजू के लिए मैंने करवा चौथ का वर्त भी रखना है, सेवा राधन भी करना है, घर की सुख शांति वास्ते माँ लक्ष्मी ते विष्णु भगवान का भी वर्त करना। कभी धर्म के मार्ग से रोकोगे तो नहीं? कौन चतुवारी विष्णु स्वयं है तू। पांचवी में कन्या फिर कहती है, हम गृहस्थी हो चुके हैं, कल तक आप अकेले थे, अब हम दो हो गए, हूँ रास्ते च कोका कोला पिएगा, इन्हों नहीं पिलाएगा क्या? ये तेरा जीवन साथी हो गया, हर चीज के विचार की मालक हो गई है, गल समझा गया, हमारा परिवार होगा, खर्चा बढ़ेगा, जरूरतें बढ़ेंगी, खर्चा बढ़ेगा, पर मांगने से मना नहीं करना, पर मैं आपको वचन देती हूँ कि आपकी सीमित आमदन के भीतर रहकर उस परिवार को पालने की कोशिश करूँगी, मंजूर है? पंचमिखे विष्णु स्वयं है तो बिटे हो। छठी में कन्या फिर कहती है, ऐ स्वामी मेरे माता पिता ने जल और सुपारी हाथ में लेकर मेरा कन्या दान कर देता, मुझे मुश्किलों से पाला, मुझे पढ़ाया लिखाया, कपड़े ना कपड़ा, खर्चे ना खर्चा, मेरे पूरी सुपरविजन रखी उन्होंने। कहने ना मतलब स्कूल से 2 मिनट क्यों लेट हुई, कितने रुक गई सी, पड़ोसियों के की करन गए सी, इन्हें से तक इन्होंने मेरी मतलब ख्याल रखिया, उन्होंने बड़े कलेश से पाला। कोई ऐसी वैसी यहाँ कमी रह गई है, खाने पीने च लेने देने दे विच नज़रअंदाज करना, मेरा मान रखने लई, ये तेरे को रखना ही पैना, जे तेने जिंदगी पत्नी दे नाल लबानी है सुख सबीली, तो पत्नी का कदी भी दूसरा ना तिरस्कार ना करो, गल तेरे को समझ च आ गई, उदा मान रखना है तेरे को। गरीबी अमीरी चलती है, मैंने तो बुझदे दीवे जगदे देखे, बुझदे दीवे जगदे देखे, मतलब जेडे आज कंगाल है वो कल करोड़पति होंदे देखे मैं, तो कहने का मतलब ऐसा कोई वहां जाके कटु बचन नहीं बोलना जो इन्हां दी माता पिता की शान के खिलाफ जाता हो। ये तो सिर झुकाई खड़े है, तुहाडी मिहनत कीती, आओ जी चाह पियो, ठंडा पियो, जीदे नाल गल कर रहे सके, तुहाडी नाराजगी होया है टौर कढ के कलर उपर नूं करके लिया होई, इदां नहीं करना, ठीक है? देखो बेटा, कृष्ण भगवान ने भी जिसले सुभद्रा दा हथ अर्जन दे हथ थमाया तां युधिष्ठिर दे अगे हथ जोड़ के खड़े हो गए और रोण लग पए, कहिंदे 3 लोक दा मालक मेरे सामने अंसू बहार है और सिर झुकाया वा, तां की जवाब मिलिया? मैं गरीब भैण वाला, मैं गरीब भैण वाला, तो उत्थे जा 3 लोकां दा स्वामी झुक सकदा, तेरे माता पिता भाई बहन भी तेरे एक दास की तरह ही हो गए, कदी इन्हों का माण रखना तेरे को पूरा, जे मेरी गल मनेगा तो तू सदा सुखी रहेगा, सुखी रोटी दे बिच भी आनंद है जे प्रेम दी मिल जाए। मैनू कोई अचार ना भी रोटी खिला दे, मैं बाहर जाके कहूँगा गोल गप्पे खा के आया, बर्फी खा के आया, क्योंकि प्रेम प्रेम बहुत बड़ी चीज़ है, प्यार बहुत बड़ी चीज़ है, समा बदल जाएगा, पर एक बार कटु बचन जड़े बोलते हो वो जवान तो निकलो जिंदगी भर का फर्क पा जाएंगे, तो मंजूर है? शस्त्रे सत्य विष्णु स्वयं है तू। सातवीं में कन्या कहती है, हाँ बेटी जानवी औरत का स्थान पति तो खब्बे पासे है,
ਖੱਬੇ ਅੰਗ। ਮੈਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੱਜਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਖੱਬਾ ਔਰਤ। ਅਰਧਾ ਈਸ਼ਵਰੀ ਨਾਰੀ ਰੂਪ ਸ਼ਿਵ ਔਰ ਪਾਰਵਤੀ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਔਰਤ ਪਤੀ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਭਾਗ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਜੱਗ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ, ਹਵਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਂਹ ਮੰਗ ਬੈਠ ਕਰ ਧਰਮ ਕਾ ਆਧਾ ਭਾਗ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਾਂ, ਘਰ ਚਲਾਉਣੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਧਾ ਪਾਪ ਤੇਰਾ ਆਧਾ ਉਸਕਾ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਘਰਵਾਲੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਲਾ ਗਲਾਸੀ, ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਉਹ ਤੇਰੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ? ਉਹ ਸਤਵਾਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਵੈ ਨੈ ਤੂੰ। ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਜਾਨ ਵੀ, ਤੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਕਿਹਾ, ਬੇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਲੜਕੀ। ਤੈਨੂੰ ਲੜਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ, ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਠੀਕ ਹੈ? ਫਿਰ ਹਲਾ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਜੈ। ਤੋ ਇਹ ਚਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦਰ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਦੂਸਰਾ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਪੂਨੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਹੁਣ ਐਸੀ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਿਨਾਂ ਆਗਿਆ, ਪਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਗੈਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਓ, ਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਘਰ ਛੱਡਣਾ। ਤੀਸਰਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ। ਮਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕੱਦੂ ਖਾਧਾ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਕੱਦੂ ਖਾਧਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੱਦੂ ਆ, ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਪਊ ਕੱਦੂ, ਮੇਰਾ ਕੱਲ੍ਹ ਪਿੱਛਾ ਛੱਡੂ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਬੇਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਘਰ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਸਮਾਂ ਪਲਟਦੇ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੁੱਝਦੇ ਦੀਵੇ ਜਗਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਉਹ ਬੁੱਝਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਜਿਸਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਟੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਣਾਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ, ਸਹੁਰਾ ਪੂਨੇ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਦੌੜਾ, ਇਹੀ ਹੈ ਪਤੀ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਹੈ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੰਗਲੰ ਗੁਰਦੁਆਜਾ, ਮੰਗਲੰ ਪੁੰਡੀ ਕਾਕਸ਼ਾ, ਮੰਗਲਾ ਏ ਤਨਵਾਰੀ। ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਬੇਟੀ ਜੋ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤੇਰੇ ਲਈ? ਕਹਿ ਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੇਰੇ ਮਾਥੇ ਕੀ ਬਿੰਦੀਆਂ ਚਮਕਦੀ ਰਹੇ, ਜੁੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲਕਦੀ ਰਹੇ। हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। तुम्हारे कदम चूमे ये दुनिया सारी, ਕਦਮ ਚੁੰਮੇ ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ।
सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। इश्क में बेकरारी, मिले ना तुम्हें इश्क में बेकरारी। सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम दुआ है हमारी। Yeah।